दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एमएस भर्ती की लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम सिलेबस की भी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 502 सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 अप्रैल 2021 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है, क्या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, सैलरी इसमें आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी, चयन इसमें आपका कैसे किया जाएगा, आपको आवेदन शुल्क कितना जमा करना होगा किस कैटेगरी के लिए, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट indsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एमएस रिक्रूटमेंट 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन की यहाँ पर पोस्ट निकली है। टोटल 502 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर के लिए 450 पद है, ड्राफ्टमैन के लिए 52 पद है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हम आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। बात अगर इसमें सैलरी की जाए तो 35,400 से 112,400 है। डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा ओएमआर बेस्ड रिटर्न एग्जाम के आधार पे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी भी हम आपको नोटिफिकेशन से ही दिखाएंगे। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। MES.gov.in इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 22 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 12 अप्रैल 2021 है। एग्जाम की डेट 16 मई 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ का यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के अंतर्गत 502 वैकेंसी ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए निकली है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो, साथ साथ यहाँ पर टाइम टेबल पूरा दिया गया है कब से कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए आयु सीमा 18 से 30 है। सैलरी लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 112,400 है। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो डिप्लोमा इसमें आर्किटेक्चर में मांगा गया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह सुपरवाइजर के लिए देख सकते हो 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। मास्टर डिग्री मांगी गई यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर आप जैसे ही इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी की पूरी जानकारी दी गई है। ड्राफ्टमैन के अंतर्गत देख सकते हो यूआर के 21 पद है, एससी के 8 है, एसटी के 4 है, ओबीसी के 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल 52 पद है। सुपरवाइजर के लिए देख सकते हो 183 अन्य जो कैटेगरी के लिए है। एससी के लिए 69 है, एसटी के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 120 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 45। टोटल 450 वैकेंसी यहां पर निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पूरी वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आयु सीमा, सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है वो आपको कंप्लीट डिटेल्स इसी पीडीएफ में मिलने वाली है। साथ साथ एग्जामिनेशन सिटीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर ये एग्जाम सिटीज रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पर इलाहाबाद, बरेली, बठिंडा, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पठानकोट, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रांची, सिकंदराबाद, शिलोंग, सिलीगुड़ी और साथ साथ उधमपुर, विजग। यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स है एग्जामिनेशन सिटीज की जो आप यहाँ से सिंपली
चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 9 मई को यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। एडमिट कार्ड भी आप इसका इसके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। बात अगर एग्जाम पैटर्न की जाए तो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है और साथ साथ स्पेशलिस्ट टॉपिक के लिए भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। टोटल 120 मिनट का टाइम है और यहाँ पर आप देख सकते हो, और साथ साथ यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट का टाइम यहाँ पर रिटर्न एग्जाम फिजिकली हैंडीकाप्टेड कैंडिडेट्स के लिए है। और इसी तरह यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके सिंपली सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पोर्टल पर शॉर्ट नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पर अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का ही सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहां से आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहां पर लिखित परीक्षा केंद्र उल्लेखित करना होगा आपको यहां से। उसके बाद में सेकंड चॉइस आपको यहां पर, थर्ड चॉइस, उसके बाद में यहां पर आप कमांड प्राथमिकता उल्लेख करें। उसके बाद यहां पर पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होगी, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और साथ साथ आधार नंबर, मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस और साथ साथ नेशनलिटी, और यहां पर आपको जो जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो आपको कंप्लीट ध्यानपूर्वक फिलअप करनी होगी। उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में इस बॉक्स पर यहां पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर कैप्चा फिलअप करने के बाद में सेव एंड एडिट कर देना होगा। यहां से आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा और यहां से सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिलअप करने के बाद में लॉग इन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा। जी दोस्तों, साथ साथ हमारे पोर्टल पर अदर लिंक्स का, यहाँ पर अदर डिटेल्स का लिंक भी दिया गया। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क सहायता केंद्र के लिए भी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ से भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन लॉग इन कर सकते हो और फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहाँ से कर सकते हो। डेट की पूरी जानकारी दी गई है और सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए गए हैं जो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।